हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्यौहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। तीज का व्रत के पूर्व करेले की सब्जियां खाई जाती हैं, जिसे छत्तीसगढ़ में करू भात कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि करेले की सब्जी में ताकत ज्यादा होती है, जो व्रत में काम आती है। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। हरतालिका तीज का व्रत क्यों रखा जाता है? हरतालिका तीज का व्रत भाद्र पक्ष के शुक्ल तृतीया को रखा जाता है। ये इसका व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनके स्वस्थ जीवन की कामना के लिए करती हैं। हरतालिका तीज व्रत रखने से पहले एक दिन करू भात, जिसे जिस दिन करेले की सब्जी खाई जाती है। मान्यता है कि करेले की सब्जी खाने से दिन भर महिलाओं को प्यास नहीं लगता और उससे इम्यूनिटी भी उनकी बनी रहती है।